सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और आज हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं, ये देख सकते हो पेटीएम पे, क्योंकि आज हम लोग को अपने बाइक का थर्ड सर्विस करवाना है और बाइक अपना यहाँ पे लग चुका है, ये देख सकते हो। और आज इसका डिस्पैच फिर से पूरा ख़त्म हो चुका है, तो इसका डिस्पैच इंजन वाल ये सब चेंज करते हैं। तो अभी इसको हमने सर्विस बुक करवा दिया और देखते हैं इसका सर्विस कितने देर में होता है। चलो करवाते हैं इसका सर्विस। अपनी बाइक पेडॉक पे लग गई है और अब इसका सामान सब निकलवाते हैं और इसका सर्विस करवाते हैं, ये देख लो। सो गाइस, अपना पीछे का भी ग्रीसिंग वगैरह हो रहा है और यहाँ पे भी पीछे वाले ब्रेक शू का कंडीशन देख सकते हो। तो पीछे वाला ब्रेक शू अभी हम लोग चेंज नहीं करवाएंगे, आगे वाला ब्रेक शू चेंज कराएंगे, क्योंकि आगे वाला पूरा ख़त्म है भाई। इधर एक बार देख सकते हो, आगे वाला पूरा ही ख़त्म है। तो आगे वाला ब्रेक शू और इंजन वाल, और देखते हैं अभी एयर फिल्टर ये सब देखते हैं, चेंज करवाते हैं। देख लो भैया, अभी वायरिंग अपने बाइक की गड़बड़ाई हुई है पीछे की, तो वायरिंग सही करवाते हैं। गाइस, तो अभी दो तीन दिन पहले मैंने अभी इसका टेल टैडी ये ओरिजिनल वाला लगाया था कीचड़ की वजह से, तो उसमें एक लोकल मिस्त्री ने थोड़ा वायरिंग का कुछ गड़बड़ कर दिया, तो उसको फिक्स करवाते हैं। और नंबर प्लेट भी नहीं था अपने गाड़ी में, तो आज प्लेट लगाते हैं। ये देख लो, इसके इतने सारे बोल्ट्स हैं। तो देखो अभी अपना काम हो रहा है एकदम तेज़ी में, पूरा सीट वगैरह खुल रखा और आज इसका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। और पिछले सर्विस पे अपना ये कूलेंट भी टॉपअप नहीं हुआ था, तो कूलेंट को भी टॉपअप करवाएंगे। चलो करवाते हैं। तो इसको ये रहा है तो वाल फिल्टर और आगे का ब्रेक शू और ये अपना इंजन वाल, तो यही तीनों चीज़ अभी लगने वाला है और कूलेंट टॉपअप होगा। ये देख लो, इसका प्राइस तो आप लोग को पता ही होगा, देख लो। तो गाइस, अभी अपना इंजन वाल ये देख सकते हो, इंजन वाल डल रहा है। तो गाइस, फिल्टर का हाल कितना गंदा हो चुका है, नया फिल्टर भी लग चुका है और अपना पीछे का भी सब काम हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमने लिया है एक, क्या लिया है यहाँ पे दिखा देते हैं, इसका तो लिखा ही नहीं हुआ। ये देख लो गाइस, RC390DS4 का बेली पैन ले लिए हैं और इसको लेके चलते हैं अमर सिनेमा, फिर इसको इंस्टॉल करवाएंगे। ये देख लो, आज अंडर बेली फाइनली इंस्टॉल होने वाला है अपने की गाड़ी में, तो इसको लेके चलते हैं आयुष भाई के दुकान पे, फिर उसको इंस्टॉल करवाएंगे। तो गाइस, अब देख सकते हो आगे का डिस्पैच भी चेंज हो रहा है, ये देख लो, चेंज करवाते हैं भाई। गाइस, अपने बाइक का सब काम हो गया, अब बस चेन क्लीन, ये देख लो चेन क्लीन और ल्यूब करना है, और वो भी अपना लास्ट काम हो ही रहा है, जल्दी जल्दी करवाते हैं। फिर वॉश तो नहीं करवाने वाले, क्योंकि वॉश में भाई एक घंटा लगने वाला है कम से कम, तो वॉशिंग अपना खुद से ही कर लेंगे या कहीं बाहर में करवा लेंगे। सो गाइस, तो अपना बिल हो चुका है, ये देख लो बिल कितने का आया भाई, 4154 रुपये, जिसमें से सर्विस का कॉस्ट 2200 के आसपास होगा और एक जो मैंने इंटर वैली लिया है उसका कॉस्ट पड़ा है मेरे को 1752 रुपये, ये देख लो टोटल हो गया 4154 रुपये और 50 रुपये एक भाई को दिया था जो इंडिकेटर सही किया। तो अब हो चुका है सर्विस फाइनली, इसको लेके चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट आयुष भाई के दुकान पे और वहाँ चल के अपना ये लगवाते हैं अंडर वैली, और फिर लुक दिखाते हैं कि अंडर वैली लगने के बाद कैसा लग रहा है। अभी बिना अंडर वैली के एक बार लुक देख लो भाई, ये नीचे का ना बहुत ही अजीब लगता है, इसका साइलेंसर जब ये दिखता है ये, तो इसी को छुपाने के लिए आज हम लोग अंडर वैली लगवाएंगे। तो चलो अभी लेके चलते हैं, अभी अभिषेक और आयुष आ रहा है, उससे हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा तो अपने बाइक पे जाने नहीं वाला है। चलो वेट करते हैं हम लोग का। सो गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं KTM की एजेंसी से, तो अभी चलते हैं सीधा आयुष के दुकान पे और अंडर बेली लगवाते हैं भाई, उसको थोड़ा ना जुगाड़ वगैरह करके लगाना पड़ेगा जैसा लगता है देखने से, अब देखते हैं कैसे क्या करना है। अब चलो पहले चलते हैं आयुष के शॉप पर यहाँ से। तो गाइस, अभी एक भैया मिल गए थे, उन्हीं को थोड़ा सा धक्का लगा दिया, छोड़ दिया। ठीक है, छोटी छोटी खुशियाँ यार ढूंढने से ही मिलती है, तो थोड़ा थोड़ा मदद कर दिया करो यार सब लोग। तो गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच गए अमर सिनेमा और अभी देखते हैं अपना समीर दुकान पे है कि नहीं अपना मिस्त्री। तो चलो अभी आयुष के शॉप पे पहुंच गए हैं, ये देख सकते हो अमर सिनेमा और इधर लेफ्ट में आयुष ऑटो एसेसरीज।
कहाँ है आयुष? खाना खाए आऊ हाँ कॉल तो किए, 4 बजे बोला कि 4 बजे आएंगे भैया। सो गाइस अपने सेंटर पे लग गया गाड़ी, देख सकते हैं यही गाली बकता है मेरे ब्लॉग में, पूरा सीन डाल देंगे हम। आरसी का आरसी 390 का बेली पैन, और अब इसको लगा के देखते हैं, इसमें पत्ती उत्ती का जुगाड़ करना होगा कुछ लगा, तो भाई देखते हैं कैसा सा लुक आ रहा है। ये देख सकते हो गाइस कैसा तो लुक आ रहा है, और लगाने के बाद देखते हैं क्या तो सिस्टम होता है। ये देख लो। सो गाइस तो ये देख सकते हो अपना अंडर बेली लग रहा है, और देख लो ये 2 पत्ती अपने को लगाना पड़ रहा है, जिसको अभी हम लोगों ने ब्लैक पेंट कर दिया है। एक पत्ती लगा के हम लोग यहाँ पे इसी में कसेंगे, इसका ये इसमें लगाने वाले हैं। अरे यार गाना के, ओ गाना 1 सेकंड बंद कीजिए। तो इसमें अभी हम लोग पत्ती लगा के ऐसे ऐसा कुछ लुक आने वाला है अपना। चलो लगा के दिखाते हैं आप लोगों को कैसा। उदासी बात कुड़े कखां दा करता नहीं तू, मंगदा सी साथ कुड़े आले चक लिखन लाता। ये देख लो अपना अंडर बेली लग गया, और ये कुछ इस टाइप का लुक आ रहा अंडर बेली लगने के बाद। और भाई अभी इस स्टैंड लगाने पे ना थोड़ा सा स्टैंड सट रहा है, तो देखते हैं उसका कुछ उपाय करते हैं कि ना सटे। ये देख लो यहाँ पे थोड़ा सा सट जा रहा है, पता नहीं उसको काटना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। तब तक सिनेमैटिक एंजॉय करो। सो गाइस तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि कैसा लगा व्लॉग आप लोग को, और कमेंट करके बताया करो यार कि कौन सा व्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है, किस टाइप का व्लॉग, उसी टाइप के व्लॉग्स आएंगे चैनल पे। और ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, और मिलते हैं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।